आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बेबी सेट लेके आई हूँ। तो देखिए जो ये बेबी स्वेटर है इसके सभी पार्ट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। पार्ट वाइज मैंने इसके 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं और 5वें पार्ट में मैंने इसकी ये बेबी कैप डिजाइनर बेबी कैप अपलोड की है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट को चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और आज बनाएंगे हम इस बेबी सेट के साथ ही डिजाइनर बेबी सॉक्स। जो डिजाइन मैंने कैप में और स्वेटर में डाला है वही डिजाइन हम इस बेबी सॉक्स में डालेंगे। एंकल शूज कहिए, एंकल सॉक्स कहिए, बेबी बूटीज कहिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बन के आई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। हाफ पार्ट में हमने यहाँ पे डिजाइन डाला है, यहाँ पे डिजाइन डाला है और बीच के फंदों में हमने इसकी यहाँ से इसकी इस तरह से हम घटाई करते हुए गए हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो इस बेबी कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 61 फंदे डाले हैं। 61 फंदे डाल के मैंने इसके शोल वाला पार्ट तैयार किया है। ये फंदे निकल गए हैं, एक बार इनको बुन लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कैप बन जाएगी, स्वेटर बन गया, कैप बन गई, आज हम इसकी ये बेबी सॉक्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिंगल धागे से ये फंदे डाले हैं। फंदे डाल के मैंने इसकी ये 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई है, सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और यहाँ बैक साइड से भी मैंने ये उल्टी बनाई है। तो दोनों तरफ से हमारी ये 5-5 लाइनें आई है। 10 सिलाइयों को मैंने उल्टा उल्टा बुना है और फिर यहाँ पर हमने ये 4 सिलाइयों को सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए ये सीधे वाला पार्ट तैयार किया है। अब हम इसमें यहाँ पे डिजाइन डाल लेंगे, यहाँ पे डिजाइन डाल लेंगे, बीच में फंदों की घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जो डिजाइन डाल लेंगे उस डिजाइन को हम 8 के मल्टीपल फंदे लेके डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 फंदे, 1, 2, 3, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ से अब डिजाइन डालेंगे तो ये 2 फंदे लेंगे आगे से, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, 1 फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इन्हीं 8 फंदों को फिर रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे का 1 बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे। तो देखिए 8-8 फंदों का डिजाइन 2 बार डल गया, 3 उल्टे 5 का डिजाइन, 3 उल्टे 5 का डिजाइन, फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 और 3। तो ये 19 फंदों में हमने डिजाइन डाल लिया है यहाँ पे, 3 उल्टे 5 में डिजाइन, 3 उल्टे 5 में डिजाइन, फिर 3 उल्टे। अब देखिए लास्ट के 19 फंदे रहने तक जो बीच के फंदे हैं इनको हम देखिए, 19 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19। तो 19 फंदे हमने यहाँ डिजाइन के रखे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 23। 23 फंदे हमारे टोटल हैं बीच में, तो सेंटर के 3 फंदों का 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम धागा पीछे करके 10 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 फंदे हमने सीधे बनाए, धागे को पीछे रखेंगे। अब जो ये सेंटर के 3 फंदे हैं यहाँ पे, इन 3 फंदों का 1 बनाएंगे। तो आगे से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, फिर इस फंदे को बैक से इसमें लेके और बीच वाले फंदे को ऐसे आगे डाल लेंगे।
और यहाँ पर तीन का एक बनाएंगे ऐसे। तो अब फिर यहाँ पर दस फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक हमारा डिजाइन वाला पार्ट है, इससे आगे हमने ये बीच में 23 फंदे हैं तो 10 फंदे हमने बुने, 10 यहाँ पे बुने, सेंटर में तीन का एक किया। अब फिर देखिए यहाँ पर हैं टोटल फंदे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह और एक 19। तो धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये तीन फंदे पहले उल्टे हैं, फिर पांच फंदों में डिजाइन है, तो ये 19 फंदे हम डिजाइन वाले बनाएंगे। तीन फंदे उल्टे ऐसे, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे आगे की तरफ से, फिर धागा घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे। तो तीन फंदे उल्टे, पांच में डिजाइन, फिर से तीन फंदे उल्टे, दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से पांच फंदों में डिजाइन, दो फंदे आगे से लेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और दो का एक बनाएंगे बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट के तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में 19 फंदों में डिजाइन डल गया, लास्ट के 19 में डिजाइन डल गया, बीच में 23 फंदे हमारे पास थे तो 10-10 फंदे हमने बुने और बीच में तीन का एक किया। अब जो तीन का एक फंदा है बैक साइड से इसको स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, सभी फंदे जाली वाले फंदे भी और बुने हुए फंदे भी, पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो साइड में डिजाइन डलता जाएगा और सेंटर में हम फंदे घटाते जाएंगे। ये एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आगे ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस बेबी सेट को मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है और चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने किसी पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डिजाइन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेबी बूटीज कहिए, बेबी शूज कहिए, एंकल शूज कहिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बुना है, पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। सिर्फ जो फंदा हमारा यहाँ पे ये तीन का एक फंदा है सीधी तरफ से नजर आएगा, इसको हम बनाएंगे नहीं, हर बार उल्टी तरफ से इस तीन के एक फंदे को, ये फंदा तीन का एक है, इसको ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर आगे के फंदे फिर से ऐसे ही बुनेंगे। तो पूरी सिलाई बैक साइड से उल्टी उल्टी बुन ली। अब आ जाइए राइट साइड में सीधी तरफ, जो डिजाइन है इसकी ये तीसरी सिलाई है, चार सिलाइयों का डिजाइन है, चार सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये पांच फंदे हैं जो जाली वाले डिजाइन के, इन पांच फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, फिर से ऐसे ही करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे। तो यहां तक हमारे डिजाइन का पार्ट था, ये हमारी तीसरी सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हुई। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए सेंटर में यहाँ पर हमारे पास ये तीन का एक फंदा है, इससे पहले हमारे पास देखिए दो चार छः
आठ और दस, दस फंदे हैं तो इसमें से हम नौ फंदे सीधे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ये तीन का एक फंदा है। इसके एक फंदा इस साइड से लेंगे, एक इस पार्ट का, तीन का एक करेंगे। तो या तो आप इसको ऐसे इस सिलाई में ले लीजिए और इस फंदे को पीछे से वापस इसी निडल में डालिए, इसको पलट के आगे से डाल लेंगे और अब इन तीन फंदों का एक फंदा बैक लूप से सीधा बनाएंगे। तो ये तीन का एक फंदा बनाएंगे। अब फिर से नौ फंदे फिर सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो जो ये तीन का एक करते हैं हर सीधी सिलाई में, एक फंदा इस पार्ट से कम होगा, एक फंदा इस पार्ट से, बीच में फंदे घटते जाएंगे। अब ये आगे का डिजाइन वाला पार्ट बनाएंगे तो तीन फंदे उल्टे, दो तीन, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। तो ये डिजाइन की हमारी तीसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई में, जो सेंटर में तीन का एक फंदा किया है इसको हम स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसको बना के फिर मैं राइट साइड में दिखाती हूँ आपको आगे कैसे करेंगे। तो अब आ गए सीधी तरफ, तो देखिए सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये डिजाइन चार सिलाइयों का है, इसको बनाते जाएंगे और जो सेंटर में ये तीन का एक है यहाँ पर दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे, तीन का एक करेंगे। इस डिजाइन को ऐसे ही बनाते जाएंगे, जो बीच के फंदे हैं ये सभी फंदे हम घटा देंगे। देखिए जैसे हमने इसके अंदर घटाए हुए हैं ऐसे, लास्ट में हमारे पास तीन का एक ही फंदा बचेगा, फिर हम इसका ऊपर का ये ऊपर की तरफ ये बॉर्डर आठ सिलाइयों का बना लेंगे। सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे, ये डिजाइन हमारा लास्ट तक चलता जाएगा, फिर बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर सेंटर में एक फंदा बच जाएगा लास्ट में, तब तक हम इसको बनाएंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बुटीज की लेंथ बनके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये डिजाइन हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। जो जो सेंटर के हमारे फंदे थे ये हमारे दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके और तीन का एक करते हुए गए, तो यहाँ सेंटर में हमारा ये एक फंदा बचा है। तीन फंदे ये उल्टे हैं डिजाइन वाले, तीन इस साइड में। तो अब हम इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसका ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, अब यहाँ पर डिजाइन नहीं डालेंगे। तो इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर आठ सिलाइयों का बॉर्डर बना लेंगे। देखिए जैसे हमने इस सॉक्स में बनाया हुआ है, इस तरह से आठ सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी चार लाइनें बन के बॉर्डर की कंप्लीट हुई, टोटल सात सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। चार सिलाइयाँ हमारी सीधी तरफ से हैं और तीन सिलाइयाँ हमारी बैक साइड से हैं उल्टी तरफ से, यानी अब हम आठवें सिलाई उल्टी तरफ यहाँ से फंदों को बंद करेंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस लेफ्ट निडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे, नहीं ज़्यादा फंदे को टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए ऐसे दो का एक करते हुए लास्ट तक सभी फंदे हम बंद करेंगे। तो इस तरह से इनको बाइंड ऑफ करेंगे। ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसको सुई में डालेंगे और इसी फंदे के अंदर से ऐसे निकाल के और नोट लगा देंगे ऐसे। अब इसी धागे से इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी बुटीज बन के आ गई है। अब इसको
देखिए आप इसको सीधी तरफ से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं और आप इसके अंदर की तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सीधी तरफ से इसको आप पकड़िएगा और यहाँ से ऐसे सुई को डाल लेंगे और जो ये लाइन है लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए इस तरह से एक बार यहाँ से सुई को डाल लेंगे इस तरह से, फिर इस लाइन के अंदर डाल लेंगे तो इस लाइन के अंदर लाइन को इसी तरह से मिलाते हुए ऐसे मिलाएंगे। अब इसके अंदर डाल लेंगे यहाँ से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है और आप इसको किसी भी मेथड से सिल सकते हैं। इस तरह से इसकी धारी के अंदर धारी मिलाते जाएंगे ऐसे। देखिए एक बार इसके अंदर डाल लेंगे, एक बार देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ डाल लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे इस तरह से, तो लास्ट तक ऐसे ही सिलते जाएंगे। फिर इसके नीचे वाले हिस्सों को कवर करेंगे तो इसकी सिलाई करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस धारी के अंदर ऐसे धारी को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सॉक्स हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है। बुटीज कहिए, सॉक्स कहिए, शूज कहिए, जुराब कहिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डाल के हमने, जो डिजाइन हमने स्वेटर में और कैप में डाला है उसको डालते हुए मैंने इसको कम्प्लीट किया। अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी सेट कैसा लगा। थैंक यू।